हाय गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज कौस्तव। तो आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना है कि आप लोग वीडियो को स्किप स्किप करके मत देखो, वीडियो को अंत तक देखो एंड पूरा देखो। उसके बाद कुछ भी जानना चाहते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करो। आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि नाइट आई एंड ऑक्सिम एलईडी का एक कंपैरिजन वीडियो बनाने के लिए, तो आज उसी के ऊपर वीडियो है। आज मैं ऑक्सिम एंड नाइट आई का कंपैरिजन करूंगा एंड बारी बारी में आप लोगों को दिखाऊंगा कि कौन सा एलईडी का ब्राइटनेस ज़्यादा अच्छा है, फोकस किस में ज़्यादा है, स्प्रेड कौन सा ज़्यादा होता है। तो वीडियो के साथ बने रहिए एंड वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो वीडियो को ज़रूर एक लाइक कर दीजिए। आप लोगों का लाइक मुझे मोटिवेट करता है एंड अगर आप चैनल में नए हैं देन प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी नाइट टाइम है एंड आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर पूरा अंधेरा है। तो अभी मैंने बाइक के अंदर लगा के रखा है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो ऑक्सिम का T1 LED, जो टेम्परेचर कंट्रोल वाला LED था वो। अभी आप लोगों को इसका ब्राइटनेस दिखाते हैं। तो यहाँ पर मैंने ऑन कर दिया है LED को एंड आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि ब्राइटनेस कैसा है। अच्छी तरह से स्प्रेड भी हो रहा है एंड इसका फोकस बहुत ही अच्छा है। ये मुझे बहुत ही पसंद आया है एंड हाईवे के लिए एकदम परफेक्ट LED है। तो इसका हाई बीम दिखाते हैं। तो अभी देख लो, इसका हाई बीम है। ये बहुत दूर तक जो रोशनी है वो फैलता है एंड जो इसका फोकस है वो हाई बीम पर भी काम करते हैं अच्छी तरह से। तो आपको लग सकता है कि इसका ब्राइटनेस सामने की तरफ उतना ज़्यादा नहीं है, बट मैं आपको दिखाई दूँ मेरे फ़ोन में उतना ज़्यादा कैप्चर नहीं कर पा रहा है, बट इसका ब्राइटनेस सामने की तरफ भी अच्छी तरह से एंड दूर तक भी फैलता है। अभी आप देख सकते हो एंड ये हाई बीम एंड मैं पासिंग एक बार दिखाता हूँ। ये हो गया इसका पासिंग। मैंने आप लोगों को इसका ब्राइटनेस तो दिखा दिया है एंड इसके बारे में मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कि इसका फोकस बहुत ही अच्छा है एंड दूर तक फैलता है। हाई बीम लो बीम दोनों बहुत ही अच्छा है एंड पासिंग भी। बाकी जो लाइट्स वगैरह है उसको देखते हैं। गाइस, अभी मैंने बाइक के अंदर जो बल्ब है उसको चेंज कर दिया है। तो अभी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर नाइट आई का LED है। तो इसका सिंगल सिंगल रिव्यू मेरे चैनल पे अवेलेबल है, जो भी हेडलाइट्स का मैंने अभी तक इंस्टॉलेशन किया है तो आप चैनल में जाके देख सकते हैं। तो अभी आप लोग देख लो नाइट आई का ब्राइटनेस, तो कुछ इस तरह सा है नाइट आई का ब्राइटनेस। आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा ये स्प्रेड हो रहा है सामने की तरफ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डायमंड कट डिज़ाइन है। इसका ब्राइटनेस बहुत ही दूर तक जाता है। तो ये रहा इसका लो बीम, मैं अभी हाई बीम पे डाल रहा हूँ। तो देख लो ये रहा इसका हाई बीम। तो ब्राइटनेस यहाँ पर आपको अच्छा खासा मिल जाएगा। नाइट आई में एक आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि जो लो बीम है वो हाई बीम करने के वक्त बंद नहीं होगा, हाई बीम अलग से देगा। मतलब हाई बीम एंड लो बीम दोनों एक साथ जलेगा हाई बीम के टाइम पे। जो ऑक्स बीम है उसमें क्या होता था कि हाई बीम के लिए अलग से LED एंड लो बीम के लिए अलग से LED। तो यहाँ पर हाई बीम पे लो बीम का जो बल्ब है वो भी जल रहा है एंड हाई बीम का जो बल्ब है वो भी यहाँ पर ग्लो कर रहा है कुछ इस तरीके से। तो ये मुझे एक अच्छा चीज़ लगा नाइट टाइम में। तो इसका ब्राइटनेस बहुत ही दूर तक स्प्रेड भी हो रहा है एंड बहुत ही दूर तक जा भी रहा है। आप वहाँ पर देख सकते हैं क्लियरली सब कुछ आपको विजिबल हो रहा है। तो अभी आप लोग एक एक करके जो लाइट है उसका ब्राइटनेस कैसा है, फोकस कैसा है वो देख लो। बाद में साइड बाई साइड मैं आपको कंपेरिजन दिखा दूंगा। एज यू कैन सी गाइज, लेफ्ट साइड में है ऑक्सिम T1 LED एंड राइट साइड में है नाइट आई LED। दोनों LED का ब्राइटनेस आप लोग देख सकते हैं, सब कुछ यहाँ पर क्लियरली विजिबल है। दोनों LED का वीडियो मैंने सेम प्लेस पर शूट किया है, आप लोग अच्छे से समझ पाए इसलिए। तो यहाँ पर ऑक्स बीम में आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर फोकस ज़्यादा है, ब्राइटनेस नाइट आई से बहुत ही ज़्यादा है। ऑक्स बीम का हाई बीम देखिए या फिर लो बीम देखिए, दोनों में अच्छा खासा फोकस एंड ब्राइटनेस आपको मिल जाएगा। नाइट आई में भी ब्राइटनेस अच्छा खासा है, आप यहाँ पर लो बीम भी दे सकते हैं, हाई बीम भी देख सकते हैं। नाइट आई में एक एक्स्ट्रा बेनिफिट है जो मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि हाई बीम के टाइम में हाई बीम प्लस लो बीम दोनों एक साथ जलता है, तो एक एक्स्ट्रा बेनिफिट है। यहाँ पर आपको देखकर लगेगा कि ऑक्सिम का ब्राइटनेस ज़्यादा है, फोकस ज़्यादा है, तो आपको ऑक्सिम लेना चाहिए। ऐसा नहीं है, आप नाइट आई भी ले सकते हैं, नाइट आई भी एक अच्छा खासा LED है। तो चलिए अभी आप लोगों के साथ बात करते हैं कि कौन सा LED लेना चाहिए। हे गाइस, मैंने आप लोगों को ऑक्सिम एंड नाइट आई LED का कंपेयर करके दिखाया। आप लोगों ने बारी बारी में एंड साइड बाय साइड जो कंपैरिजन मैंने किया वो भी देखा। अभी आते हैं कि कौन सा LED बेस्ट है, क्योंकि कैमरा के लेंस से आपको उतना ज़्यादा पता नहीं चलेगा, जब आप खुली आंखों से देखेंगे तब आपको ज़्यादा पता चलेगा। पहले आते हैं ऑक्सिम के ऊपर। ऑक्सिम एक बेस्ट क्वालिटी LED है, इसका प्राइस भी ज़्यादा है, बट इसके अंदर आपको फोकस सबसे ज़्यादा मिलेगा। नाइट आई में इतना ज़्यादा फोकस आपको नहीं मिलेगा।
इसका लो बीम भी अच्छा है एंड हाई बीम वो भी अच्छा है, दोनों में अच्छा खासा फोकस आपको मिल जाएगा एंड ये हाईवे के लिए एकदम बेस्ट है। मैं बहुत दिन से जो ऑक्सबीम नाइट आई दोनों यूज कर चुका हूँ, बट मेरे हिसाब से बेस्ट है फोकस के मामले में ऑक्सबीम का T1 LED। अभी आते हैं नाइट आई के बारे में, तो नाइट आई में स्प्रेडनेस ज्यादा है, जो ब्राइटनेस है वो ज्यादा दूर तक नहीं फैलता है बट उसका जो एरिया है वो ज्यादा है, मतलब आपको अच्छा खासा सामने को दिख जाएगा बट इसके अंदर फोकस उतना ज्यादा नहीं है। गाइस के हिसाब से नाइट आई में जो फोकस है वो अच्छा खासा है, जो स्प्रेडनेस है वो भी अच्छा खासा है एंड नाइट आई में आपको एक एक्स्ट्रा फीचर्स भी मिल जाएगा। तो मेरे हिसाब से अगर आप सिटी में राइड करते हैं, ज़्यादा हाईवे पे राइड नहीं करते तो आप नाइट आई खरीद सकते हैं, अगर आप ज़्यादा राइड करते हाईवेज वगैरह में जाते तो आपके लिए ऑक्सीजन का T1 LED एकदम बेस्ट है। दोनों प्रोडक्ट का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे के रखा है, तो जाइए देखिए, जो भी प्रोडक्ट आप लोगों को अच्छा लगे उसको खरीद सकते हैं आप लोग। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं पर ही खत्म करते हैं, वीडियो को अगर आप लोग पसंद करते हो तो एक लाइक जरूर कर देना एंड कुछ भी जानना चाहते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन पर कमेंट करो। सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।